तो बड़ी खबर, ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताइवान में भूकंप से एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद भी झटके जारी हैं और दमकल विभाग ने ये जानकारी दी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई इलाकों में बिजली भी गुल बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये देखिए कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। तो जोरदार भूकंप से कांपी धरती, और आपको बता दें कई गगनचुंबी इमारतें भी वहां पर झुक गईं। और ये देखिए, ये आप एक न्यूज रूम के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए जो टेलीविजन स्क्रीन लगी है वो कितनी तेजी से हिलती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है 7.5 की तीव्रता बताई जा रही है। सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है, और ये कुछ तस्वीरें हैं जो वहां से सामने निकल कर आई हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सुनामी का भी अलर्ट साथ में। देखिए किस तरह से इतनी बड़ी इमारत झुकी हुई नजर आ रही है। तो ताइवान में तबाही वाला जलजला आया है और कई बड़ी इमारतें किस तरह से देखिए झुक गई हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, और ये कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, एक बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, जापान के 2 द्वीपों में सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ताइवान में भूकंप से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बच्चे को घर से निकाला जा रहा है बाहर, उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। किस तरह से जिस घर में ये परिवार रह रहा था उसे, उस इमारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, इन तस्वीरों में आप वहां की स्थिति को समझ सकते हैं। तो ताइवान में सुनामी का भी अलर्ट है, और भूकंप से ताइपे पूरी तरह किस तरह से हिला आप देखिए इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जो लाइट्स वहां पर लगी हैं, जो पंखे वहां पर नजर आ रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन वहां पर लगी हैं, सभी चीजें वहां पर किस तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, और इमारतें झुकी हुई नजर आ रही हैं। तो ये आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताइपे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.5, और कई इमारतों को वहां नुकसान पहुंचा है। सुनामी का अलर्ट भी जारी है। तेज भूकंप से ताइवान हिला और कई हिस्सों में बिजली भी गुल बताई जा रही है। तो ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ताइवान में भूकंप से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद भी झटके वहां पर महसूस किए गए, और दमकल विभाग ने ये तमाम अपडेट्स जारी किए हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और कई इलाकों में बिजली भी गुल बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो ताइवान में जोरदार भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताइवान जोरदार भूकंप से दहल गया है। कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका भी लगातार बनी हुई है, और भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। ताइवान, जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी के, आपको बता दें, जानमाल के जो नुकसान की खबरें हैं वो लगातार अपडेट होती जा रही है। एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें और भयावह मंजर वहां पर नजर आ रहा है। देखिए कितना नुकसान वहां पर इस भूकंप की वजह से हुआ है। कई इमारतें जो है आप देखिए किस तरह से झुकी हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर एक दीवार किस तरह से बिल्डिंग की ढह गई है, जो कि तमाम वहां पर पार्क्ड बाइक्स पर जा गिरी, और एक व्यक्ति की मौत बताया जा रहा है अब तक, जो पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर ये अपडेट है। इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ताइवान की राजधानी ताइपे को भूकंप के जोरदार झटकों ने किस तरह से दहला दिया, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और जी मीडिया संवाददाता प्रणय मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल प्रणय, आपके पास क्या ताजा अपडेट, कितना नुकसान हुआ है वहाँ? देखिए नुकसान का आकलन तो बाद में होगा मलिका, लेकिन अगर आप बात करें कि सुबह जो भूकंप आया है उसके बाद से लगातार आफ्टर शॉक्स इस समय ताइवान के अंदर आ रहे हैं, और ताइवान की राजधानी ताइपे ही नहीं बल्कि जो हुआलिन और जो अन्य प्रांत हैं ताइवान के, वहां भी इस समय आफ्टर शॉक महसूस किए जा रहे हैं। और अगर बात करें आंकड़ों की, तो अब तक 28 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए जा चुके हैं, जिनमें रिक्टर स्केल के ऊपर जिनकी तीव्रता 5 से ज्यादा है, और 7.5 का ये भूकंप था, और उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। आप दिखाई रही है तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से इमारतें झुकी हुई हैं, चूंकि
ये सुबह का वक्त था इसलिए कई लोग कामकाज के सिलसिले में बाहर निकले हुए थे। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो मेट्रोज के अंदर सफर करते हैं, वहां पर जो ट्यूब्स हैं और उसके कारण वहां भी जो है काफी नुकसान की रिपोर्ट्स इस समय आ रही हैं, क्योंकि कई जगह ट्रैक्स जो हैं वो डिरेल हो गए हैं वहां पर और इस कारण से जो ट्रैक्स की आवाजाही है ट्रेन की वो इस समय रोकनी पड़ी है। इसके अलावा कई इमारतों के अंदर, चूंकि कामकाजी दिन होने के कारण सुबह लोग अब दफ्तर पहुंच जाते हैं, इसलिए दफ्तर के अंदर भी कई जगह पर नुकसान की खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस समय किसी मौत के आंकड़े की पुष्टि ताइवान सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके मुताबिक पूरे ताइवान के अंदर लगातार इस समय जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सामान्य तौर पर ऐसा होता ही है, किसी बड़े भूकंप के बाद में आफ्टरशॉक्स आते हैं, लेकिन ये जो इसकी तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा थी कि कई बड़ी इमारतें, और कई रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस भूकंप का आफ्टरशॉक ही 6.5 रिक्टर स्केल पर मापा गया था, जो कि काफी ज्यादा है। बिल्कुल, बड़े भूकंप के बाद आमतौर पर आफ्टरशॉक्स आते हैं और आफ्टरशॉक्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सा है ये पूर्व और दक्षिण का हिस्सा है ताइवान का। इसके अलावा अगर आप देखें तो केवल ताइवान ही नहीं बल्कि जो आफ्टरशॉक्स हैं या कहा जाए भूकंप के झटके हैं वो उस पूरे क्षेत्र के अंदर महसूस किए गए हैं, चाहे चीन का जो इलाका हो वो उसकी बात की जाए, जापान के कई इलाकों के अंदर महसूस किए गए हैं और इसके अलावा कोरिया तक इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर इस समय जो भूकंप महसूस किया गया है आज सुबह उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा थी। जानमाल के नुकसान का आकलन तो इस समय किया ही जा रहा है। इसके अलावा जो इमरजेंसी कॉल्स हैं वो इस समय जो है वो तेजी से आ रहे हैं। ताइवान की अगर बात करें, वहां जो कई लोगों के साथ हम संपर्क में हैं उनका कहना है कि कई जगह पर बिजली की सप्लाई बाधित होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन पर भी काफी असर पड़ा है। हालांकि जो तात्कालिक सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों को, साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो अर्थक्वेक ड्रिल है उसका पालन करते हुए इस समय सुरक्षित स्थानों के ऊपर रहें, क्योंकि आफ्टरशॉक्स लगातार आ रहे हैं उस पूरे इलाके के अंदर। जी बिल्कुल, और प्रणय, ताइपे के केंद्रीय मौसम प्रशासन के भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से भी ये जानकारी बताई गई है कि इसे पूरे ताइवान में महसूस किया गया है और ये 25 सालों में आया सबसे भयानक भूकंप है। बिल्कुल मल्लिका, ये 25 सालों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है और आप अच्छी तरीके से जानती ही हैं इस पूरे इलाके के अंदर, वैसे ही पूरा इलाका भूकंप प्रोन है, चाहे जापान की बात की जाए चाहे ताइवान की बात की जाए, और इसीलिए इमारतों का जो कंस्ट्रक्शन है वो भूकंप रोधी जो तकनीक है उससे किया जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतना भूकंप रोधी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन के बावजूद आप इमारतों का की तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना मैसिव ये भूकंप था, इतने भीषण भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई जगह पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे रोड्स हों चाहे रेलवे ट्रैक्स हों, चूंकि मेट्रो लाइन जो है वो वहां पर ओवरग्राउंड है और इसकी कई जगह पर जो मेट्रो लाइन्स हैं वो डिरेल हुई हैं और ऐसे में जो मेट्रो की आवाजाही है वो उस समय रोकी गई है। इसके अलावा लोगों से भी कहा गया है कि वे इस समय सुरक्षित जगहों पर रहें क्योंकि भूकंप के आफ्टरशॉक्स लगातार महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर भूकंप की बात की जाए तो इस पूरे इलाके के अंदर ये चूंकि सिस्मिक जोन में आता है और सिस्मिक जोन में सेंसिटिव जोन माना जाता है ये पूरा इलाका, इसलिए लगातार भूकंप के झटके वहां पर आते रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा, इतना मैसिव भूकंप, और चूंकि ताइवान आप अच्छी तरह से जानती हैं काफी घना बसा इलाका है, एक द्वीप है और उस द्वीप के आसपास इस समय सुनामी अलर्ट की जो चिंताएं हैं वो भी इस समय बताई जा रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं कई जगह पर पहाड़ों से, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है ताइवान का वो पहाड़ी है और कई जगह पर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पहाड़ों से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो नीचे गिरती हुई नजर आ रही हैं कई इलाकों के अंदर। जो तस्वीरें लोग वहां से भेज रहे हैं उसमें ये तमाम चीजें साझा की जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर एक भय और खौफ का माहौल इस समय ताइवान और ताइपे जो ताइवान की राजधानी है वहीं तो नहीं बल्कि इसके आसपास के कई इलाकों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रणय, और एक डराने वाली बात ये भी है कि सितंबर 1999 में ताइवान में 7.6 तीव्रता वाला जो भूकंप आया था उसमें 2400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस बार भी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, अभी भी वहां पर झटके महसूस किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इसी स्तर का नुकसान इस बार भी हो सकता है या नुकसान को कम भी किया जा सकता है? किस तरह की तैयारियां आपको लगता है कि वहां पर इस वक्त की गई होंगी? मल्लिका, उम्मीद तो यही करना चाहिए कि जो पिछली बार नुकसान हुआ था उतना नुकसान न हो, खासतौर पर जानमाल का जो नुकसान है, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है वो सबसे कीमती होती है और इसीलिए ताइवान के अंदर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उनमें से अधिकतर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर कई कंस्ट्रक्शन पुराना कंस्ट्रक्शन होता है, उसको रिपेयर या रिनोवेट अगर नहीं किया गया है तो ऐसे में नुकसान की आशंका और बढ़ जाती है। साथ ही घना बसा इलाका है, मैं ताइवान की राजधानी ताइपे जा चुका हूं और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वहां पर कितनी घनी बसाहट है कई इलाकों के अंदर, और ऐसे में अगर बहुत मैसिव भूकंप आता है तो सबसे बड़ी चुनौती इस चीज को लेकर होती है कि राहत और बचाव के जो कर्मी हैं उनको वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है
वो रोड्स को होता है और ऐसे में हर कोई जो है भागने या निकलने की स्थिति में होता है। तो ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है कि लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, खासतौर पर उन लोगों को जो, क्योंकि कुछ घंटे जो होते हैं वो काफी गोल्डन आवर्स होते हैं और ऐसे में लोगों को अगर सही समय पर। ताइवान में प्रणय आज एक भयानक भूकंप ने दस्तक दी है और आप ठीक कह रहे हैं कि नुकसान कितना होगा इसका आंकलन करने में कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि अभी भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। प्रणय शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और तमाम अपडेट जो आपके दर्शकों तक पहुंचाए। Z News।